पार्लर वाला मेरा सीरीज वाला तो अभी नहीं भेटाया। सर माइनस मतलब किस जगह सर? ये अपना जो सिल्वर सिल्वर गोल्डन गोल्डन जो है बने हैं सिल्वर टाइप के जो पॉइंट ये दिखे ना बाहर माइनस। की तरफ, हाँ उनपे लगाना है, ब्लैक वाली प्रॉब लगानी है वहां पे, और रेड प्रॉब लगाना है गोल्डन वाले पॉइंट पे। अभी आप एक सेकंड आपको बता देते हैं कहाँ पे लगाना है। देखो जो रेड प्रॉब आपको कहाँ पे लगाने, जो ये गोल्डन कलर का जो दिख रहा है ना किनारे किनारे किनारे, इस यस पे सर। लगानी, या फिर ये जो जाली जहां से उखड़ी है यहाँ पे आप लगा सकते हो नेगेटिव पॉइंट पे, ये जो दिया है जीएनडी नेगेटिव, या आप यहाँ पे लगा सकते हो इस जगह। यस सर। और आपको पॉइंट बता देते हैं, ये देखो यहाँ पे गोल्डन कलर की जो पॉइंट है यहाँ पे आपको रेड प्रॉब लगानी है, और कैप यहाँ पे आप लोगों को लगानी है रेड जो है ब्लैक प्रॉब, इस कैपेसिटर इस जहाँ ये रेड कलर का सिंबल है। तो आपको टेस्टिंग हुई सीरीज पैरेलल किसी को मिला या नहीं मिला बताओ? पैरेलल तो सर मिला, सीरीज नहीं मिला। रिस्क कम लगे होते हैं, आप बताइए क्या नाम मोहम्मद साहब? मिला सर। मिला, दोनों मिले सीरीज पैरेलल। हाँ सर। सर एक तरफ वैल्यू आ रही है एक तरफ बीप मार रहा है। हाँ तो ये एक तरफ वैल्यू आ रही है एक तरफ बीप पैलर में लगा हुआ है। सर दोनों बीप मार रहा है दोनों तरफ से। तो शॉर्ट है, दोनों तरफ से बीप मार रहा है, दोनों सिरे अगर बीप कर रहे हैं तो शॉर्ट है, यानी कि प्लस माइनस एक हो गया। अगर कोई कैपेसिटर जिसका कोई भी सिरा बीप नहीं कर रहा है तो वो सीरीज में लगा है। जिसको ना समझ रहा पूछते रहना, ये मत सोचना कि हमको नाम करके सर बताएंगे, नहीं बिल्कुल बताएंगे। अब एक बार नहीं 10 बार 20 बार 50 बार जब तक समझ तब तक क्लास आगे नहीं चलाएंगे, समझ में आना चाहिए आपको। वही सर सारे वही मिल रहे हैं, एक तरफ बीप और एक तरफ वैल्यू आ रही है, मतलब सारे सीरीज में लगे नहीं पैरेलल में लगे। नहीं पैरेलल में लगे, पैरेलल है एक तरफ, एक पैरेलल में एक सिरा माइनस होता है, एक तरफ बीप और एक तरफ वो कर रहा है वैल्यू दे रहा है मतलब पैरेलल में। सीरीज नहीं मिला सर, ओनली पैरेलल मिला। मेरा वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा सर, कैसे क्या करें सर? हेलो हेलो सर जी। बताइए सर जी, मेरा वो जो प्रॉब्लम आपको बताया था वो सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व भी नहीं है। डीसी में सिग्नल कनेक्ट करके पावर की ट्रेस करता हूँ तो
58-60 तक करंट लेता है, उसके बाद पावर बटन छोड़ देता हूँ तो फिर से जीरो हो जाता है। हाँ तो उसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। सॉफ्टवेयर पावर वाले बटन दबाने पे एम्पियर ले रहा है और आप उसको छोड़ रहे हो तो एम्पियर फिर जीरो हो जा रहा है, यानी कि उसमें सॉफ्टवेयर हाँ, जीरो हो जाता। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम जी, लेकिन उसमें पोर्ट तो नहीं ले रहा है सर, पोर्ट नहीं ले रहा तो चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग कनेक्टर उसका चेंज करो। चार्जिंग कनेक्टर में जो डाटा की जो लाइनें है ना, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन सर चार्जिंग प्रोब लगाने से तो वोल्टेज सही आता है और अरे वोल्टेज से नहीं मतलब होता है, जब सॉफ्टवेयर करोगे तो डेटा की लाइनें आगे जाती है, ठीक है, डेटा की लाइन के लिए होता सर, है। एक हाँ बताइए, एक कैपेसिटर मिला सर, दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है सर। हाँ, वो सीरीज में लगा, सीरीज में लगा हुआ, गुड गुड। पहले से आपको मिले कुछ सीरीज पैरेलल के? हाँ मिले ना, दोनों में पैरेलल ही मिले, नहीं नहीं पैरेलल मिले, सीरीज नहीं मिला, नहीं ना। देखो मदरबोर्ड पे मिलेंगे तेरे। सर अभी आपने क्या बताया, ये इसका किसका वो किसी ने तो पूछा था बटन दबाने के बाद करंट दिखाता है बाद में, जब हम डीसी मशीन यूज करते हैं मोबाइल को कनेक्ट हाँ। कर दिया, ऑन करेंगे, ऑन करने पे एम्पियर की रीडिंग आ रही है 50-60% 60 जो एम्पियर जा रहा है 0 पॉइंट के आसपास 0.50-60, और इसके बाद जब पावर वाले बटन जब हम छोड़ रहे हैं तो पावर फिर नीचे आ रहा है, जीरो हो जा रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है यार। करंट उधर ही रहे है तो कहां पे करंट ऊपर रहेगा तो सॉर्टिंग की प्रॉब्लम, आईसी से प्रॉब्लम नहीं। करंट सपोज 50-60 दिखा रहा है और पावर बटन छोड़ने के बाद भी वो उधर ही रुक रहा है, हाँ तो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, तो शॉर्टिंग है जी, शॉर्टिंग तो पावर आईसी से। ओके तो भी डीसी भी हम आप लोग को बताएंगे यूज करना है, डीसी किस तरीके से यूज करना है। अरे ये थोड़ा इसका मिल जाए, केबल नहीं मिल रही इसकी, देखो इधर ये कैमरा रखा मेरे पास, इसकी केबल मिल जाएगी, केबल इसकी मिल नहीं रही है। अगर ये कनेक्ट अगर हो जाएगा तो हम आपको बोर्ड पे या मदरबोर्ड पे सब पे कनेक्शन जो है कराने लगेंगे। अब इसकी केबल नहीं मिल रही बंदी की वजह से, कैमरा तो रखा है अपने पास, डीएसएलआर कैमरा, अच्छा फोकस आएगा इससे, कोई दिक्कत है नहीं है सर। तो हो थे क्या? नहीं सर आपको नहीं बोला, कैमरा की वजह से कर दूंगा, और उसमें मिनी एचडीएमआई केबल लगेगी। सर ये सीरीज वाले कौन से सेक्शन में रहेंगे? कहीं भी लगे हो सकते हैं, किसी भी सेक्शन में लगे हो सकते हैं। लेकिन रहते हैं क्या सीरीज में? सीरीज में लगे होते हैं ना, किसी भी सेक्शन में लगे हो सकते हैं ना, सीरीज में दोनों तरफ जो है वैल्यू आएगी, एक तरफ वैल्यू आएगी, यानी कि ग्राउंड से कोई भी कैपेसिटर बीप नहीं करेगा कोई भी। ये रेड प्रोब ग्राउंड पे लगाने का क्या, उल्टा लगाते हैं ना? नहीं भाई, जब आप अभी आप जो काम कर रहे हो कोल टेस्टिंग में आता है ये जो प्रोब, कोल टेस्टिंग में रेड प्रोब हमेशा माइनस पे लगती है, जब आप हॉट टेस्टिंग करेंगे वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे तब जाके ब्लैक प्रोब जो है माइनस पे लगेगी, ठीक है, अभी आपको रेड प्रोब से ही जो है।
टेस्टिंग में क्या लिखेंगे, अगर हम कैपेसिटर चेक करेंगे ओनली कैपेसिटर, ठीक है, तो नॉन पोलर जो होगा उस पे आप लगाओगे तो इस पे आपको नो वैल्यू आएगी, नो वैल्यू। और आपको पोलर अगर चेक करेंगे आप ओनली कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो क्या अभी वैल्यू जो है रीडिंग आकर चली जाएगी, वैल्यू आके चली जाए, ये काम करता है, ठीक है। ये सिंगल कैपेसिटर की टेस्टिंग होगी जाके, अगर आपस में अगर बीप कर रहा है करें, या जीएनडी यानी कि ग्राउंड से दोनों सिरे इसके अगर बीप करें कैपेसिटर के, तो क्या है खराब है, डैमेज है। ये इसकी जगह जो है टेस्टिंग होगी। अब देखो इस पे जंपर नहीं लगता है, सीरीज वाले पे आप जंपर लगा सकते हो लेकिन पैरेलल वाले पे आप जंपर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एक सिरा क्या होता है उसका प्लस होता है, एक सिरा माइनस पे गारंटेड होता है। अगर आप दोनों को अगर जोड़ दोगे तो प्लस माइनस एक ही हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब सीरीज में क्या है आप लगा सकते हो, ये टेस्टिंग है इसकी, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर पे सिंगल कैपेसिटर पे आप चेक करोगे, यहाँ पे ग्राउंड पे कोई बी प्रॉप नहीं लगानी, ओनली कैपेसिटर पे दोनों प्रॉप लगानी है आपको, ब्लैक और निगेटिव, ब्लैक और रेड वाली। अच्छा इसमें ऐसा कोई नहीं कुछ रीडिंग आया मतलब एक लिमिट मान तक तो समझेंगे कि सही है, रीडिंग नहीं, इनकी जो रीडिंग होती है इनको हम जो जो मापते हैं या फिर हम सब यहाँ पे सब टेस्टिंग कर रहे हैं, इनकी जो टेस्टिंग होती है ओरिजिनल वो किस में होती है, फैराडे में मापते हैं, इसमें नैनो फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो माइक्रो हो गया जाके पीको फैराड, इनमें नापा जाता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर में फैराड को नापने की कोई यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम लोग मल्टीमीटर का अपना यूज करके अपने हिसाब से उसको जानते हैं खराब है या फिर नहीं खराब, टेस्टिंग करते, ठीक। ये फैराड पे होता है, अगर हम गूगल पे अगर इसकी देखेंगे कैपेसिटर की इकाई जो होती है वो फैराड में ही होती है। यहाँ पे आ गया फैराड एफ, ठीक है, माइक्रो माइक्रो फैराड, ठीक है, और म्यू बना है माइक्रो हो गया, नैनो फैराड, पीको फैराड, पीएफ पीको फैराड भी कहते हैं, और यह एमएफ क्या है मिली मिली फैराड, फैराड मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पीको फैराड, ये इनकी इकाइयां होती हैं। तो वो मल्टीमीटर में हम लोग नाप नहीं सकते हैं फैराड, हमें अपनी सब टेस्टिंग अपने हिसाब से जो है देखनी है। वो किसी को खराब मिले कि नहीं मिले, मिले हाँ, तो अब ये क्या करना आपको जो है इनको निकाल के नहीं फेंकना है, आपको क्या करना है उसकी जगह दूसरा कैपेसिटर लगाना है। क्यों लगाना है हमने आपको बता दिया है, नहीं लगाओ तो मोबाइल में प्रॉब्लम आने लगेगी, क्योंकि जो वोल्टेज सिग्नल या डेटा को फिल्टर जो है नहीं कर पाएगा और जो है प्रॉब्लम आने सर लगाएंगे तो साइज कर माने अकॉर्डिंग साइज का देख के आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल के अंदर वोल्टेज, लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम आती है जो हम लोग लगाते हैं कैपेसिटर, तो सेक्शन वाइज देख के लगाते हैं कि 19 वोल्ट का है कि 5 वोल्ट का 3 वोल्ट का, इसमें आप कोई भी कैपेसिटर सेम साइज का देख के जो है आप लगा सकते हो दूसरे मदरबोर्ड से, ठीक है, छोटा बड़ा हाँ चल जाएगा साइज के हिसाब से। अरे लोग लगाते ही नहीं है, निकाल निकाल फेंक देते हैं, तो उससे तो अच्छा है कि तुम लगा दो,
है, कस्टमर भी भड़क जाता है, अरे तुमने हमारा कंपोनेंट जो है निकाल के फेंक दिया है, निकाल लिया तुमने हमारा, चुरा लिया है, ऐसे बोलते हैं ना कस्टमर, उनको भी यहाँ हो जाएगी, यहाँ कुछ तो लगाया भाई, इसमें कुछ डाला है। कैपेसिटर आपका कंप्लीट हो गया, आप कुछ पूछना कैपेसिटर पे, आप और टेस्टिंग कर लो, कल पूछ लेना इसके बारे में जहां जो चीजें समझ में ना आई, ठीक है? ओके, थैंक यू सर।